हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमने इनवाइट किया है एक मोटिवेशनल स्पीकर जो कि मुंबई में काफ़ी फेमस है। अगर आपको उनका जो मोटिवेशनल ये जो वीडियो जो आप अभी देखने जा रहे हैं वो अगर आपको पसंद आता है तो उस पर अगर आप लोग 1000 से अधिक लाइक करेंगे तो हम आपके लिए लाएंगे उनका नेक्स्ट वीडियो जो कि काफ़ी अच्छा होगा, जो कि आपके अंदर एक मोटिवेशनल स्पीच की मोटिवेशनल अर्थात आपके अंदर एक आग जैसा लगा देगा। आप किसी भी काम के लिए अग्रसर फटाफट होगे और आप अपने लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं वो आप प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उनका वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप 1000 से अधिक लाइक करते हैं तो आपको नेक्स्ट उनका वीडियो मिलेगा जल्दी हमारे इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो भैया सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आपने अपना ये टाइम निकाल कर हमारे चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आप हमारे दोस्तों के लिए कुछ ऐसा उनके अंदर एक आग लगा दीजिए जिससे कि वे अपने गोल को अचीव कर पाएं, तो कुछ ऐसा उनको ये स्पीच दीजिए। तो जरूर जरूर, थैंक यू। तो आप नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चैनल में। माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआत में हर कोई एक साधारण व्यक्ति होता है, शुरुआत में हर एक इंसान एक साधारण होता है, लेकिन वो साधारण से असाधारण बनने का कार्य करता है। शुरुआत में हर एक व्यक्ति एक ऑर्डिनरी व्यक्ति होता है, पर ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का काम वो करता है। शुरुआत में हर एक व्यक्ति एक जीरो होता है, पर वो जीरो से हीरो बनने का काम करता है। माय डियर फ्रेंड, शुरुआत में हर एक व्यक्ति एक रफ डायमंड होता है जो कई कोयलों के बीच में छुपा होता है, वो रफ डायमंड से एक परफेक्ट डायमंड बनने का काम करता है। माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआत में ये भी एक साधारण व्यक्ति थे, ये भी एक साधारण व्यक्ति थे, पर साधारण से असाधारण बनने का काम किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी। ये भी एक साधारण व्यक्ति थे, पर इन्होंने साधारण से असाधारण बनने का काम किया। दूसरा, शुरुआत में ये भी एक साधारण व्यक्ति थे जो हमारे राष्ट्रपिता बने महात्मा गांधी, ये भी एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने साधारण से असाधारण बनने का काम किया। और ये भी एक साधारण व्यक्ति थे माय डियर फ्रेंड, विजय शर्मा, जो ये साधारण व्यक्ति थे, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते थे माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन इन्होंने असाधारण बनने का काम किया। और पेटीएम, आप सब जानते हैं पेटीएम इन्होंने चालू किया, आज करोड़ों अरबों की कंपनी इनकी है। माय डियर फ्रेंड्स, ये भी एक साधारण व्यक्ति, रितेश अग्रवाल भी एक साधारण व्यक्ति थे जिनको होटल में से निकाल दिया गया, होटल में रहे थे, समय पूरा हो गया और इन्हें निकाल दिया गया, ये भी एक साधारण व्यक्ति थे, पर इन्होंने ओयो रूम्स बनाया जो आज लोगों को होटल देता है। माय डियर फ्रेंड, ये भी एक साधारण व्यक्ति थे। तृष्णित अरोरा, ये भी एक साधारण व्यक्ति थे जिन्होंने, जो 8वीं की कक्षा फेल हो गए थे, और 8वीं की कक्षा फेल होने के बाद ये भी एक साधारण व्यक्ति थे, पर इन्होंने साधारण से असाधारण बनने का काम किया, जीरो से हीरो बनने का काम किया। इन्होंने TSC सिक्योरिटी नाम की कंपनी खोली जो आज पूरे देश में नहीं विदेश में भी और लाखों करोड़ों का कारोबार है। माय डियर फ्रेंड्स, ये भी एक साधारण व्यक्ति थे। धीरूभाई अंबानी, ये भी एक साधारण व्यक्ति थे, गुजरात की गलियों में ये भी एक साधारण व्यक्ति थे, पर इन्होंने भी साधारण से असाधारण बनने का काम किया और आगे चल के रिलायंस कंपनी आप जानते ही हो। माय डियर फ्रेंड्स, ये भी एक साधारण व्यक्ति थे। इसी तरह सचिन एंड बिन्नी बंसल, ये भी एक साधारण व्यक्ति थे, इन्होंने मिलके फ्लिपकार्ट कंपनी बनाई और फ्लिपकार्ट कंपनी बना के ये भी एक असाधारण व्यक्ति बन गए, और ये कंपनी आप जानते हो आज 16 बिलियन तक पहुंच गई है और इसे वॉरेन बफेट ने खरीद लिया है। ये भी एक साधारण व्यक्ति थे सचिन एंड बिन्नी बंसल, ये भी एक साधारण व्यक्ति थे, पर इन्होंने साधारण से असाधारण बनने का काम किया। इसी तरह माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा बिल गेट्स, ये भी एक साधारण व्यक्ति थे, ये भी एक मध्यवर्गीय में थे, पर इन्होंने साधारण से असाधारण बनने का काम किया, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का काम किया। बिल गेट्स कहते हैं, अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो कोई बुरी बात नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब बनकर मर जाते हो तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आपने अपने नॉलेज, अपने स्किल, अपने टैलेंट को आपने बदला ही नहीं, चेंज ही नहीं किया, अपने आप को, अपने नॉलेज को बदला ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह बिल गेट्स भी एक साधारण व्यक्ति था, बिल गेट्स भी एक ऑर्डिनरी व्यक्ति था, पर साधारण से असाधारण बनने का काम इस बिल गेट्स ने किया। माय डियर फ्रेंड, स्टीव जॉब्स, ये भी एक साधारण व्यक्ति थे जिन्होंने एप्पल कंपनी चालू की, एप्पल कंपनी बनाया, अपने गैरेज से लेके एक एप्पल कंपनी बनाया, ये भी एक साधारण व्यक्ति थे माय डियर फ्रेंड, अपने गैरेज से लेके एप्पल कंपनी तक पहुंचे, ये भी एक साधारण व्यक्ति थे माय डियर फ्रेंड। भर खाने का नहीं था
पेट भर खाने का नहीं था, रोज 2.5-3 किलोमीटर चल के हरे रामा हरे कृष्णा टेम्पल जाते थे ताकि उन्हें एक दिन तो पेट भर के खाना मिले। ऐसे स्टीव जॉब थे जो इन्होंने भी साधारण से असाधारण बनने का काम किया। माय डियर फ्रेंड्स, ये स्टीव जॉब ने अपना जो एप्पल कंपनी बनाई, आज आप जानते हो एक बढ़िया ब्रांड है एप्पल, हर कोई चाहता है एप्पल। माय डियर फ्रेंड्स, ये ब्रांड इन्होंने बनाया, साधारण से असाधारण बनने का काम किया, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का काम किया। माय डियर फ्रेंड्स थे जे बिजोस जिन्होंने अमेजॉन बनाया और आज के तारीख में पूरे वर्ल्ड में सबसे वर्ल्ड रिचेस्ट मैन जो है जेफ बिजोस, जो सबसे रिचेस्ट मैन है जिन्होंने अमेजॉन बनाया, ये भी एक साधारण व्यक्ति थे, ये भी एक सामान्य व्यक्ति थे, ये भी एक ऑर्डिनरी थे, पर ये ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का काम इन्होंने किया। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह मैं बताना चाहूंगा, चार जावेद और स्टीव ये भी एक साधारण व्यक्ति थे, पर इन्होंने यूट्यूब बनाया और यूट्यूब बनाने के बाद आज ये भी एक असाधारण व्यक्ति बन गए और इसी के माध्यम से आप मुझे देख रहे हो। माय डियर फ्रेंड, ये जो शब्द आपने देखे, ये सब साधारण व्यक्ति थे, पर ये सब साधारण व्यक्ति ने असाधारण बनने का काम किया, ये सब लोगों ने ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का काम किया, ये सब लोगों ने रफ डायमंड थे, कोयलों में छुपे हुए थे, इनको कोई जानता नहीं था, पर ये कोयलों से निकल के उस रफ डायमंड से एक परफेक्ट डायमंड बनने का काम इन्होंने किया। तो माय डियर फ्रेंड, आप भी ये सब बन सकते हो, आप भी ये सब कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी हैबिट्स को फॉर्म करना। इन्होंने अपनी आदतों को चेंज किया, अपनी हैबिट्स को चेंज किया, अपने सोच और विचार को चेंज किया। माय डियर फ्रेंड, उसी के ऊपर मैं आज आपको बात बताने वाला हूँ, किस तरह आप भी अपने हैबिट्स को चेंज कर सकते हो, अपनी आदतों को बदल सकते हो और आप भी इनकी तरह बन सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी हैबिट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, आप बनाते हो आदत और आदत बनाता है आपको। सो चलो दोस्तों, आज देखते हैं कैसे इन्होंने अपनी आदतों को बनाया और किस तरह आप भी अपनी हैबिट को बना के आप भी इनकी तरह बन सकते हो, आप भी इनकी तरह साधारण से असाधारण व्यक्ति बन सकते हो, आप भी इनकी तरह रफ डायमंड से एक प्योर डायमंड बन सकते हो, आप भी इनकी तरह ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हो, आप भी इनकी तरह जीरो से हीरो बन सकते हो। माई डियर फ्रेंड्स, सो आइए देखते हैं कैसे आप अपने हैबिट्स को चेंज कर सकते हो। माई डियर फ्रेंड्स, पहले आपकी आदत बदलती है, फिर आदत से आप बदलते हो। माय डियर फ्रेंड्स, चलो देखते हैं कैसे आप अपनी आदत को बना सकते हो। माय डियर, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपनी आदत सिलेक्ट करनी पड़ेगी, आपको चुनना पड़ेगा ऐसी कौन सी आदत आपको बनानी है। क्या आप बिजनेस करते हो, क्या आपकी कोई दुकान है, क्या आप नौकरी करते हो? माय डियर फ्रेंड्स, वहां पे आपको कौन सी आदतों की जरूरत है, वहां पे आप कौन सी आदतें आपको चाहिए जो आप बनाना चाहते हो, और वो बनाने से आपका बिजनेस बढ़ेगा, वो बनाने से आपका प्रमोशन होगा, वो बनाने से आपका दुकान चलेगा। माय डियर फ्रेंड, वो आदत बनाइए। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप रोज अपने प्रोडक्ट को बेचने की आदत बनाइए। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो रोज अपने कौशल्य को बढ़ाइए, अपने क्वालिटी को बढ़ाइए, अपने हुनर को बढ़ाइए ताकि आपका प्रमोशन होगा। और अगर आपका दुकान है तो रोज अपने कस्टमर को बढ़ाइए, कस्टमर से अच्छे से बात करिए। माय डियर फ्रेंड, अपनी हैबिट चेंज करिए, क्योंकि गलत हैबिट से अच्छे कस्टमर नहीं आएंगे, अच्छा हम प्रमोशन नहीं करेंगे, हमें प्रमोशन नहीं मिलेगा, हमारे बिजनेस नहीं बढ़ेगा। माय डियर फ्रेंड, अच्छी आदत बनाइए, सिलेक्ट करिए सबसे पहले वो गुड हैबिट जो आप करना चाहते हो। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला है पॉइंट, माय डियर फ्रेंड, सिलेक्ट गुड हैबिट, अपनी अच्छी आदतों को चुनो जो आप चाहते हो बदलना, उसे चुनो। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला चीज है आपको चुनना पड़ेगा। और दूसरा चीज है माय डियर फ्रेंड, जो आपने अच्छी आदतें चुनी हुई है, जो आपने सिलेक्ट किया है अच्छी आदतें, उस अच्छी आदतों को दो रेगुलर आदतें, जो आप दो रेगुलर काम करते हो उनके बीच में डालो ताकि वो आपका होता रहे। जैसे कि आप रोज सुबह उठने के बाद, ब्रश करने के बाद, नहाने के बाद आप चाय पीते हो, ये आपकी दो आदतें हैं। इन दो आदतों के बीच में आप इसे पुट करो कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं जॉगिंग करूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, ऐसी आदत डालिए। माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये दो आदतों के बीच में आपको ये आदत डालनी है, क्योंकि ये आदत आपकी है नहीं और आप इसे डालना चाहते हो। माय डियर फ्रेंड, दो आदतों के बीच में डालना पड़ेगा तो ही ये संभव है। तो दो आदतों के बीच में डालो माय डियर फ्रेंड। जैसे कि आप रात को खाना खाने के बाद सो जाते हो, तो आप चाहते हो कि मैं रात को खाना खाने के बाद पढ़ाई करूँ, तो खाना खाने के बाद सोने से पहले ये आदत को डालो कि मैं सोने से पहले पढ़ाई करके सोऊंगा। वहाँ पे चिट लगा दो, खाना खाने के बाद सोने जहाँ पे जाते हो वहाँ चिट लगा दो कि सोने से पहले पढ़ना है, तो सोने से पहले आप पढ़ोगे। तो इस तरह दो हैबिट, ये जो है गुड हैबिट है, दो आदतों के बीच में जो आप रेगुलर कर रहे हो उसके बीच में डालना है। माय डियर फ्रेंड, ये दूसरा चीज़ है कि दो आदतों के बीच में आपको ये गुड हैबिट डालनी है। तीसरा माय डियर फ्रेंड, आपको मूड बनाना है। माय डियर फ्रेंड, जब हम लोग नई आदतें बनाते हैं उस समय होता क्या है, वो नई आदतें हमको करने के लिए हमारा मूड नहीं बनता। जैसे कि अगर आपको पढ़ने की हैबिट बनानी है तो उसके लिए आपका सेट द टेबल, टेबल को सेट करो, बुक को सेट करो, बुक पेन पेंसिल, जब भी आप पढ़ने जाओ तो आपको उसके लिए तकलीफ ना हो।
क्योंकि होता क्या है, जब हम नई आदत बनाते हैं और उसमें कुछ हमें तकलीफ आती है, वो नई आदतें हम छोड़ देते हैं, तो आप क्या करो, टेबल सेट करो, बुक सेट करो, पेन पेंसिल रबड़ सब टेबल एकदम बहुत ही अच्छा मूड हो, देख के आपको भी फटक से पढ़ने का मन करे, ऐसा मूड बना के रखो। माय डियर फ्रेंड, अगर आप चाहते हो कि मैं रोज एक्सरसाइज करूं, तो एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, आपका बैग रेडी करना है, शूज रेडी करके रखना है, ताकि जब भी आपका एक्सरसाइज करने का टाइम आए और आपका मूड ऑटोमेटिकली बन जाए, आपको ऐसा ना लगे कि अभी तो बैग बनाना है, बूट्स पता नहीं कहाँ पे है, सॉक्स पता नहीं कहाँ पे, आप अच्छी तरह अपना मूड बना के रखो। माय डियर फ्रेंड्स, मूड बनाने का मतलब है आप हर चीज को पहले से ही प्रिपेयर करके रखो, ताकि जब आप उसे करने को जाओ तो आपको कोई डिफिकल्टी ना आए। ये दूसरी तीसरी चीज है माय डियर फ्रेंड्स, कि आप अपने मूड को बना के रखो। चौथी चीज है माय डियर फ्रेंड, जो गुड हैबिट आपने बनाया है, इसको आप 21 दिन तक लगातार करो, बिना मिस किए हुए 21 दिन करोगे। माय डियर फ्रेंड, कोई भी आदत को लगने के लिए 21 दिन लगते हैं, अगर आप 21 दिन आपने ये लगातार कर डाला, 21 दिन आपने इसे किया, तो डेफिनेटली आपको ये आपके आदत में आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड, आपको 21 दिन न रुके न थके इसे करते रहना है, क्योंकि 21 दिन आप इसे कर लोगे, और 21 दिन करने के लिए ये चार्ट आपको दिख रहा है, ये चार्ट आपको फॉलो करना है। 21 दिन यहाँ पे दिन है, और 21 दिन में आपने उसे किया, कैसे किया और आपको कैसा फील हुआ, ये चार्ट आपको फॉलो करना है। 21 हैबिट्स मेकिंग का चार्ट है ये, आप बनाइए और ये आपका हैबिट बनाएगा माय डियर फ्रेंड्स। और ये हैबिट बनाना है, ये चौथा पॉइंट है, कि आपको 21 दिन लगातार ये आपको करते रहना है। और पांचवा चीज है माय डियर फ्रेंड्स, ये सब करने के बाद आप अपने आप को अप्रिशिएट करिए, आप अपने आप को थैंक्स करिए, आप अपने आप को रिवार्ड दीजिए, अपने आप को अप्रिशिएट करिए, वेल डन तूने ये किया, वेल डन तुमने ये कर दिखाया, वेल डन। हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते। आज के दिनों में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आज हम अपने आप को ही गालियां देते हैं कि मैं क्या करूं, मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे से होता नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझसे हो नहीं पाएगा। माय डियर फ्रेंड, ये सबसे बड़ा कारण है, आप अपने आप को अप्रिशिएट करिए ये करने के बाद, क्योंकि आपने जो किया है वो रिवार्ड के काबिल है, आपने जो किया है वो सो माय डियर फ्रेंड्स, आप भी ये आदत को अपना के आप भी साधारण से असाधारण व्यक्ति बन सकते हो, आप भी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हो, आप भी रफ डायमंड से एक प्योर डायमंड बन सकते हो, आप भी जीरो से हीरो बन सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जो भी देशवासी हैं उनके पास ये वीडियो जाए, और ये उनके पास जाके वो भी अपने साधारण से असाधारण तक पहुंचे, वो भी अपने ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक पहुंचे, वो भी अपने जीरो से हीरो बनने का काम वो भी करें, और वो भी ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां, वो भी ऐसे से बड़े बड़े आदमी, वो भी ऐसे से ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों और शेयर को, जो कोई भी साधारण से असाधारण बनना चाहता है, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहता है, उनके पास ये वीडियो शेयर करिए, लाइक बताइए कि आज आप कौन सी नई आदत बनाने वाले हो, कमेंट करके बताइए। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच वीडियो को सुनने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।